ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। मुअज़्ज़िज़ ख़ारान सलामुन अलैकुम। आज का हमारा मौज़ूअ दर्स तारीख़ में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम है, दर्स नंबर 10। और आज हम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू करेंगे, उनकी हयात ज़िंदगी का मुख्तसरन जायज़ा लेंगे। तो दर्स का आगाज़ करते हैं हयात तय्यबा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम से। आप इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम व हमीदा ख़ातून के पोते हैं और हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम व रजमा ख़ातून के फ़र्जंद हैं। आपकी विलादत 11 ज़िलक़ादा सन 148 यानी कि 148 हिजरी को मकाम मदीने मुनव्वरा में हुई। आपका इस्म गिरामी अली है, कुनियत अबुल हसन और अलक़ाब साबिर, फ़ादिल, रज़ी, वफ़ी, क़ुर्रतुल आयनिल मुमिनीन, गईज़ुल मुलहिदीन वग़ैरह हैं, लेकिन रज़ा ज़्यादा मशहूर लक़ब है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का तर्ज़ हयात। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के तर्ज़ हयात के बारे में शेख सदूक़ अलैहिर्रहमा ने इब्राहिम बिन अय्याश से नक़ल किया है कि आपको कभी किसी ने भी तुंद कलामी करते हुए नहीं देखा, यानी कि किसी को झड़क के बात करना, तेज़ी से बात करना, चीख के। तो कभी इमाम ने इस तरीक़े से किसी से कलाम नहीं किया और न ही कभी किसी की बात काटते हुए देखा गया है कि अगर कोई बात कर रहा हो तो उसकी बात काट के अपनी बात शुरू कर देना। तो इमाम ने कभी ऐसा नहीं किया। हर शख्स की हाजत रवाई आपका फ़र्ज़ था, किसी की तरफ पैर फैलाकर नहीं बैठते थे कि आदाब मजलिस हुए, यानी कि जब लोग एक जगह बैठे हुए हों कई लोग तो उनके दरमियान पैर फैला के बैठना जो है वो अखलाकियत के ख़िलाफ़ है। और इमाम ने कभी भी किसी के सामने पैर फैला के बैठकर गुफ्तगू नहीं की और किसी के सामने टेक लगा कर भी नहीं बैठते थे और ग़ुलामों के साथ भी सख्ती से गुफ्तगू नहीं फरमाते थे, बल्कि बुलंद आवाज़ से कहकहा भी नहीं लगाते थे कि किसी बात पे अगर हंसी आए तो मुस्कुराहट से काम लें, ज़ोर ज़ोर से कहकहे नहीं लगाते थे। दस्तरखान पर अपने साथ तमाम नौकरों ग़ुलामों को भी बिछलाया करते थे। रातों को कम सोया करते थे और अक्सर रातों को शब्बेदारी फरमाते थे, यानी कि रात भर जागते थे और इबादत करते थे। हर महीने की पहली और आखिरी जुमेरात को और दरमियानी बुध को आप रोज़ा रखते थे। रात की तारीकी में सदक़ात और खैरात किया करते थे। अंदर मामूली कपड़ा पहनते थे और बाहर कभी कभी ज़रूरत के एतबार से अच्छा लिबास ज़ेबतन किया करते थे। खाने के वक्त अगर कोई शख्स ताज़ीम के लिए उठना चाहता तो उसे मना फरमा देते थे कि रिज़्क़ खुदा का एहतराम ज़रूरी है। खाने के वक्त क़ियाम नहीं करते थे, यानी कि बैठकर खाते थे। ये तमाम जो चीज़ें हैं, जो तमाम मैनर्स हैं, अगर देखना हो तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को इंसान देखे, उनकी ज़िंदगी को देखे। ये ज़िंदगी गुजारने का जो एक हुनर है वो इनमें पाया जाता है कि इन्होंने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है। आपके खादिम यानी कि जो खिदमत गुजार था, आपके खादिम यासिर का बयान है कि हम लोग मेवा खाते वक्त एक हिस्सा खाते थे और कुछ हिस्सा फेंक देते थे। तो आपने तंबीह की कि रिस्क़ खुदा को ज़ाया मत करो, जो ज़रूरत से ज़्यादा हो उसे फ़ुक़रा व मसाकिन और मुस्तहक़ीन के हवाले कर दो। ये इमाम की तमाम बातें, तमाम तंबीहें जो हैं वो ज़िंदगी संवारने का एक बहुत बड़ा दर्स है कि इमाम किस तरह ज़िंदगी गुजारते थे। और जो समाज की सबसे बड़ी जो बुराई है वो है रिस्क़े खुदा की बेहतरामी करना, कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ले लेना और उसे ज़ाये और बर्बाद कर देना। मिसाल के तौर पे अगर कहीं कोई दावत हो, कोई फंक्शन हो, या एक कॉमन चीज़ के लोग शादी ब्याह में जाते हैं तो वहाँ भी अनवा अक़साम के खाने होते हैं, खाया जाता है, लेकिन क्या करते हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा अपनी प्लेट में निकाल लेते हैं और उसके बाद जब नहीं खा पाते तो वो उठा के डस्टबिन में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, ये रिस्क की बेहुरमती होती है और ये ज़ाया और बर्बाद हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो परवरदिगार आलम के गज़ब का एक सबूत बन जाएंगी कि परवरदिगार गज़बनाक होगा, किस वजह से कि उसने जो नेआमात दी हैं, जो रिस्क दिया है, उस रिस्क की हमने बेहुरमती की और उसे हमने डस्टबिन में डाल दिया, ज़रूरत से ज़्यादा खाना निकाला प्लेट में और उसे हमने छोड़ दिया। तो खाना, इमाम तो मेवे के लिए भी कह रहे हैं कि अगर उसमें बच जाता है तो उसको फेंको मत, फ़ुकरा और मसाकिन को दो। तो वो चाहे मेवा हो, फ्रूट्स हो, या फिर वो खाना हो, यानी कि ये तमाम जो नेआमात इलाहिया हैं इन सब को ज़ाये और बर्बाद नहीं करना चाहिए। आप अपने शियों को मुतनब्बे करते थे कि तमाम आमाल हर रोज़ शाम के वक्त तुम्हारे इमाम के सामने पेश किए जाते हैं और वो तुम्हारे हक़ में इस्तग़फ़ार करते हैं, लिहाजा तुम अपने गुनाहों से उनका दिल मत दुखाओ और ऐसे बन जाओ कि जैसे उनके शिया होते हैं। इस्लामी निज़ाम की तरवीज में इमाम का तरीक़ेकार किस तरीक़े का था उनका, कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपने बाबा इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के तर्ज़ अमल का बहुत करीब से मुशाहिदा किया और ये देखते रहे कि किस हिकमत इलाही से इस्लामी निज़ाम की तरवीज की जाए। हुकूमत के आमाल की तरफ से गाफिल हो जाना शान हिदायत के ख़िलाफ़ है, कि इंसान को कभी गफलत नहीं बरतना चाहिए हुकूमत की तरफ से ही क्यों ना हो, तमाम चीज़ों पे नज़र रखना चाहिए और हुकूमत से सीधी टक्कर लेना बिला फ़ायदा कत्ल को दावत देना है। तो इमाम की नज़र हुकूमत पे तो थी और हुकूमत में जिस किस्म की गड़बड़ियाँ हो रही थी तमाम चीज़ों को इमाम ने देखा, उनका मुशाहिदा किया, लेकिन सामने से टक्कर लेना जो है वो क्या है, टक्कर लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सीधे कत्ल को दावत दे रहा है। और चूँकि जो हुकूमतें थीं उनके दौर में, वो इमामों के दौर में, जैसा कि आपने हालात ज़िंदगी पढ़ा होगा, तो वो ज़ालिमो जाबिर हुकूमतें हुआ करती थीं और बहाना ढूंढती थीं जुल्म व तशद्दुद करने का। तो इमाम ने बहुत गौर से इन तमाम चीज़ों को देखा कि हुकूमत किस तरह से अपनी कारकर्दगी अंजाम दे रही है और अपनी खामोशी से हुकूमत को तायद हासिल करने का मौका भी देना बाइस मुआखज़ा है। कि उसके बाद कह रहे हैं कि हुकूमत का जायज़ा लिया, उसको गौर से देखा और करीब से उसका मुशाहिदा किया और एक हिकमत अमली जो थी वो इमाम ने इस्तेमाल किया, एक हिकमत अमली से काम लिया कि न तो हुकूमत को खुला हुआ चैलेंज किया कि जिससे टकराव हो और कत्ल गारत हो, और ना ही खामोश तमाशाई बने सब कुछ देखते रहे, बल्कि हिकमत से काम लिया। जैसे कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने एक दरमियानी रविश इख्तियार किया और अपने असहाब में से बाज़ को दरबार में वज़ीर मुकर्रर कराया ताकि हुकूमत के अज़ाइम की निगरानी होती रहे और चाहने वालों के जान व माल व आबरू का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके, और अपने बाज़ सहाबी सफ़वान जमाल को इस कदर बराए तो बेजारी का दर्स दिया कि अगर बादशाह वक्त को हज के लिए ऊँट किराए पर देने के बाद ये आरज़ू भी पैदा हो जाए कि बादशाह ज़िंदा रहे और किराया मिल जाए, तो तो ये आरज़ू इंसान को ज़ालिमों की मददगारों में शामिल कर देती है कि एक ज़ालिमो जाबिर बादशाह की सलामती का ख़्याल भी दिल में लाना, यानी कि उसने मदद की किसमें, मज़लूम इंसानों को तकलीफ़ पहुंचाने में, जिसका खुला हुआ मफ़हूम ये था कि अली इब्न यक़तीन वज़ीर होने के बाद भी बादशाह की हयात की आरज़ू नहीं कर सकते थे और उनके जहन में इस कदर सलाहियत थी कि कुर्सी की परवाह किए बग़ैर काम कर सकें। तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने उन्हें वज़ारत तक का काम सुपुर्द कर दिया गया और इस कदर दरबारी तकर्रुब की इजाज़त दे दी गई कि सफ़वान के दिलो दिमाग में इस कदर सलाहियत नहीं थी कि उनके लिए मसलहत यही थी कि हुकूमती निज़ाम से दूर रखा जाए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि किराए की खातिर सलातीन जौहर की ज़िंदगी के लिए आरज़ू पैदा हो जाए और आक़िबत तबाह व बर्बाद हो जाए। तिब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम बहुत ही मशहूर मारूफ़ हैं कि इमाम ने एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के बेहतरीन नुस्खे बताए हैं और बहुत सी ऐसी होम रेमेडीज़ बताई हैं, घरेलू नुस्खे बताए हैं कि जिसके ज़रिए इंसान अपनी सेहत का ख़्याल रख सकता है और दवाओं से बच सकता है। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हिदायत हर दौर में नसीहत और आफ़ियत के लिए बेहतरीन नुस्खा है। इसी बिना पर आपके चंद तिब्बी इरशादात की तरफ इशारा किया जा रहा है कि आपने फरमाया कि माँ के दूध से बेहतर बच्चे के लिए कोई गज़ा नहीं है। ये इमाम ने कब बताया? 1400 साल पहले इमाम ने इस तरफ आगाही की और साइंस भी इस चीज़ को मानती है। लिहाजा आपने गौर किया होगा कि मार्केट में बहुत से दूध के डब्बे आते हैं, बहुत सी कंपनियों के दूध के डब्बे अवेलेबल हैं, खुश्क दूध के जो माएँ अपने बच्चों को देती हैं घोल के, लेकिन हर डब्बे पे जो एक वार्निंग लिखी होती है वो यही होता है ना कि माँ के दूध से बेहतर बच्चों के लिए कोई गज़ा नहीं है। क्योंकि परवरदिगार आलम ने कुदरती तौर पे ऐसे अज्जा माँ के दूध में मुरत्तब फरमाए हैं कि जिसके ज़रिए बच्चा बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। लिहाजा इमाम ने इस तरफ 1400 साल पहले ही इशारा कर दिया था। अनार में एक दाना जन्नत का होता है, यानी कि जब इंसान अनार खाए तो पूरा अनार खाए कि इसमें भी अल्लाह ने शिफा रखी है। मुनक्का यानी कि किशमिश की शक्ल का बड़ा बड़ा सा होता है, वो किशमिश ही वो भी है, फ्रूट है, ड्राई फ्रूट। तो मुनक्का खाने से सफ़रा को मुनक्का जो है वो सफ़रा को दूर करता है, बलगम को दूर करता है, इनके इंसान को जो नज़ला वग़ैरह है उन तमाम चीज़ों को दूर करता है और पट्ठों को मजबूत करता है। और शहद में शिफा है और शहद का तोहफ़ा वापस नहीं करना चाहिए कि शहद में बीमारियों से शिफा के अज्जा मौजूद हैं और अगर कोई तोहफ़तन शहद देता है तो कभी भी उस तोहफ़े को वापस नहीं करना चाहिए, बस बल्कि उसे खुशी खुशी ले लेना चाहिए। जैतून का तेल इस्तेमाल करने वाला 40 दिन शैतान की शर से महफूज रहता है। कुरान करीम पढ़ने, शहद खाने और दूध पीने से हाफिज़ा बढ़ता है, यानी कि इंसान का दिमाग खुलता है और उसकी क़ुव्वत हाफिज़ा में इजाफ़ा होता है। खाने की इब्तिदा नमक से करो कि जब खाना खाने बैठो तो सबसे पहले नमक को खाओ, नमक से इब्तिदा करो। यानी एक चुटकी नमक भी अगर इंसान अपने ज़बान पे रखता है तो वो 70 बीमारियों से दूर हो जाता है, 70 बीमारियाँ उससे दूर होती हैं। तो खाने की इब्तिदा नमक से करो, इससे 70 अमराज दूर होते हैं और जिनमें जुज़ाम भी शामिल है। उसी तरह इमाम ने फरमाया मसूर की दाल 70 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की ग़िज़ा है, इससे दिल नरम होता है और आंसू पैदा होते हैं। और खाना ठंडा करके और प्याले के किनारे से खाना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्म खाना जो है वो आंतों को नुकसान पहुंचाता है। ये इमाम ने 1400 साल पहले बताया, लेकिन साइंस ने भी अपनी रिसर्च में ये चीज़ साबित कर दी कि बहुत ज़्यादा गर्म खाना नहीं खाना चाहिए और एक तरफ से खाना चाहिए, यानी कि पूरे प्लेट में खाने को फैलाकर उसे नहीं खाना चाहिए बल्कि एक तरफ से खाना शुरू करना चाहिए। आपकी अहादीस मुबारका कुछ इस तरह है कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन में जब तक ये 3 सिफतें ना हों वो हकीकी मोमिन नहीं हो सकते, और वो ये सिफतें हैं कि पहली सिफत क्या है, अल्लाह की सुन्नत पर आमिल हो, दूसरी सिफत सुन्नत रसूल पर आमिल हो, अमल करने वाला हो, और तीसरी सुन्नत सुन्नत इमाम पर आमिल हो, यानी कि इमाम की सुन्नत पे अमल करने वाला हो। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है कि अल्लाह ताला की सुन्नत पे आमिल हो, उसके बारे में ये है कि सुन्नत इलाही ये है कि राजदार हो। इरशाद कुरान करीम है कि खुदावंद आलम जो है वो आलिमुल गैब है, अपने ऐब पर किसी को मतला नहीं करता सिवाय रसूल जो उसका पसंदीदा, अपने गैब पर। माजरत यहाँ पे मैंने ऐब पढ़ा बल्कि गैब है, आलिमुल गैब है और वो अपने गैब पर किसी को मतला नहीं करता सिवाय रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उसका पसंदीदा है। कि परवरदिगार आलम तमाम चीज़ों का मालिक है और तमाम राजों का जानने वाला है, और वो गैब की बातें जो है वो सिवाय रसूल के किसी को नहीं बताता। सूरह जिन आयत नंबर 29। उसके बाद जो दूसरी सुन्नत है यानी कि सुन्नत रसूल पर आमिल हो, यानी कि सुन्नत रसूल पे अमल करे, यानी लोगों के साथ खुश रफ्तारी से पेश आए, क्योंकि खुदा ने अपने रसूल को हुक्म दिया है कि आफ़ो बख्शिश को अपना पेशा बनाओ और नेकी का हुक्म दो। सूरह आराफ आयत नंबर 99। और तीसरी सुन्नत यानी कि सुन्नत इमाम पर आमिल हो, इमाम की सुन्नत पे अमल करता हो, यानी तंगदस्ती और परेशानी में भी सब्र करता है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने अपने नफ्स का मुहासिबा किया यानी कि उसका हिसाब किया वो फ़ायदे में रहा, और जो उससे गाफिल रहा वो घाटे में रहा। कि अहसन तरीन अमल बताया गया है अपने नफ्स का मुहासिबा करना, उसका हिसाब किताब रखना। कि पूरे दिन में अगर नेकी की हो तो उसमें इजाफे की दुआ करे, और जो गलतियाँ की हों उन गलतियों का इजाला करे और आइंदा ऐसी गलती न करे। और जो खुदा से डरा वो बेखौफ रहा, कि अल्लाह से डरने वाला दुनिया की किसी शय से नहीं डरता। और जिसने इबरत हासिल की वो बीना हुआ, यानी कि जिसने सबक हासिल किया गोया कि उसे बीनाई मिल गई, उसे रोशनी मिल गई। और जो बीना हुआ वही बाफ़हम हुआ, और जिसे बसीरत मिल गई, जिसे बीनाई मिल गई वो बाफ़हम हुआ, यानी कि वो बासमझ और समझदार हुआ। और जो बाफ़हम हुआ वही आलिम हुआ, कि जो अपनी अक्ल फ़हम का इस्तेमाल करेगा वही आलिम है। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि आपसे सवाल हुआ कि अल्लाह के बंदों में सबसे अच्छा कौन है, तो आपने इरशाद फरमाया कि वो लोग जो अच्छा काम करने पे खुश होते हैं और बुरा काम करने पर इस्तग़फ़ार करते हैं। जब उनको कुछ मिलता है तो शुक्र खुदा करते हैं, और जब मुब्तलाए बला होते हैं तो सब्र करते हैं, और जब गज़बनाक होते हैं तो मुआफ़ कर देते हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर अल्लाह ताला लोगों को जन्नत और जहन्नम से न भी डराता तब भी उसने अपने बंदों पर जो फजल एहसान किया है, जो नियामतें बग़ैर किसी इस्तेहक़ाक़ के मरहमत फरमाई हैं, इनके बग़ैर किसी मेहनत के, उनका तकाज़ा यही है कि बंदे उसकी इताअत करें और उसकी नाफरमानी ना करें। कि इंसान जो इबादतें अंजाम देता है वो खौफ़ खुदा से अगर अंजाम देता है, तो क्या फरमाया कि अल्लाह अगर जन्नत और जहन्नम से न भी डराता तो भी इंसान खुद ब खुद खुदा का शुक्रिया अदा करता और सजदे में झुक जाए, क्योंकि अल्लाह ने बग़ैर किसी मेहनत व मशक्क़त से के बहुत सी ऐसी नेमतें अता फ़रमाई हैं कि जिससे बंदा खुद ब खुद खुदा की इताअत करे और उसकी नाफरमानी से गुरेज़ करे। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दोस्तों के साथ इनकिसारी से, दुश्मनों के साथ होशियारी से और आम लोगों के साथ कुशादा रवि से मुलाकात करो। ये भी एक हुनर है कि जो अपने दोस्त अहबाब हैं उनके साथ इंसान इनकिसारी से मिले, झुक के मिले, खंदा पेशानी से मिले, और दुश्मनों के साथ होशियारी यानी होशियारी बरते, मोहतात होकर मिले, उनसे मुलाकात करें, उनसे गुफ्तगू करें, क्योंकि दुश्मन मौके की तलाश में होता है। तो अगर इंसान होशियारी से नहीं मिलता है तो फिर जाहिर सी बात है कि दुश्मन तो कोई बार अपना खाली नहीं जाने देगा, वो जिसे मौका मिलेगा जब वो अपना काम कर जाएगा। तो इसीलिए कहा कि दुश्मनों से होशियारी के साथ मिलो और आम लोगों से कुशादा रवि से मुलाकात करो कि उनसे भी बेहतरीन तरीके से मिलना चाहिए। ये रहा आज का दर्स इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा के बारे में। अब आप लोगों से चंद सवालात हैं जिनके जवाबात लेके आप लोग हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सेंड करें कि इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के वालिदैन का नाम क्या था और आपकी विलादत कब हुई और किस हिजरे में हुई। दूसरा सवाल, इमाम अलैहिस्सलाम का इस्म गिरामी और उनके अलक़ाब क्या हैं, तहरीर करें। और उसके बाद तीसरा सवाल ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तर्ज़ हयात पे मुख्तसरन ज़िंदगी नज़र डालें। उसके बाद चौथा सवाल ये है कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने जो चंद नुस्खे बयान फरमाए हैं अनार, मुनक्का, शहद और जैतून, इन सब से मुताल्लिक़ उनके बारे में मुख्तसरन तहरीर करें, यानी कि उसकी जो अहादीस जो बयान की गई हैं उनकी तशरीह कीजिए। आप लोग आपकी अहादीस मुबारका से मुतालिक एक और सवाल आप लोग नोट कर लें कि इमाम ने मोमिन के अंदर किन सिफतों का होना बयान फरमाया है। और उसके बाद मुहासिबे नफ्स के बारे में इमाम ने क्या इरशाद फरमाया है। ये रहा आज का सवाल। आप लोग इसके जवाबात लिख के हमें व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे सेंड करें और इस दर्स की ऑडियो बना के 4 बजे तक हमें टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भेजें। और दर्स शाम को 5 बजे यूट्यूब पर अपलोड होगा, उसे बगौर सुने और जवाबात लिखकर भेजें। वाखिरुद्दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलामुन अलैकुम, खुदा हाफिज़।